ओके okay. तीन अध्याय है पोलुस पोलुस ने ये पत्री लिखी उससे पहले हम जान लेते हैं पहला कुरंतियो किसने लिखा पहला कुरंतियों भी पोलस ने लिखा और पोलुस को हमें जानना पड़ेगा कि पोलुस उधर की कलिसिया को क्या लिखता है है ना पोलुस जब पहली कुरंतियो लिख रहा था तो वहाँ पर ऐसी वो उस पत्री के अंदर बहुत सारी बातचीत ऐसी लिखता है जिसपे आप डिबेट कर सकते हो बातचीत कर सकते हो अन्य भाषा के बारे में लिखता है और बहुत सारी चीज़ें आप जब पढ़ोगे आप उस पर डिबेट कर सकते हो आप नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता ऐसा हो सकता है ये ठीक है ये गलत है बातचीत वाली किताब है है ना और पोलस कुरंतीय में जब गया था वहाँ पर डेढ़ साल रहा कितने साल रहा डेढ़ साल और वहाँ पर उसने कलिसिया स्थापित करी वहाँ पर लोगों को बढ़ाया वहाँ पर अगुए खड़े करे और कुरंती ऐसी जगह थी जहाँ पर रोमी लोग राज करते थे रोमन राज करते थे और वो एक व्यापार का केंद्र था बिजनेस लोग बिजनेस वाले लोग अलग अलग शहर से अलग अलग देश से लोग उस जगह आते थे बिज़नेस करने के लिए इसीलिए जब वहाँ पर बहुत सारे लोग बिज़नेस करने आते थे तो वहाँ की विचारधारा भी चेंज एक जैसी नहीं रही क्योंकि अलग अलग लोग आ रहे हैं अलग अलग तरीके हैं रीति रिवाज हैं और वो अलग अलग तरीके से बात करते हैं अलग अलग तरीके का काम करना पसंद करते हैं अलग तरीके के कपड़े पहनना पसंद करते हैं उस तरीके से वो लोग वहाँ पर आए और वो बिज़नेस का केंद्र था जहाँ पर व्यापार था और अलग अलग प्रकार के लोग भी थे वहाँ पर यहूदी भी रहते थे मिक्स जैसा एक माहौल रहता था वहाँ पर और वहाँ पर एक मंदिर होता था एफ्रोडाइट एक देवी का मंदिर जो देवी होती थी क्या कहते हैं उसको अडल्ट्री का अनैतिकता का जीवन जीने वाली जो देवी होती थी जहाँ पर दासियाँ लोग रहती थी जहाँ व्यविचार होता था जहाँ पर मंदिर में जाकर लोग व्यविचार करते थे उस उन लड़कियों के साथ उस जगह का उस जगह के लोगों को पोलुस लिखता है ऐसी वो अपनी पत्री लिखता है और फिर क्या होता है जब हम दूसरी कुरंतियों में आते हैं तो इसलिए हमने पहला देख लिया कि वहाँ पर लोग कैसे थे वहाँ की विचारधारा कैसी थी बिजनेस होता था लोग आते जाते रहते थे दूसरा ग्रंथियों में कहता है कि पॉलुस के द्वारा लिखी गई और मक्की दुनिया से लिखी गई और वो इस वाली पत्री में दूसरी पत्री में अपने मुद्दे वहाँ के यहूदी लोग आ गए वो कह रहे ये तो प्रेरित नहीं है ये गलत शिक्षा दे रहा है यीशु मसीह हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते और बहुत सारी बातें इसलिए वो अपने प्रतिरोध अपने अपना पर्सनल चीज़ें उसके अंदर लिखता है दूसरे कुरंतियों में और वहाँ के उस पत्री को समझने के लिए इसलिए जब वो अपना पर्सनल चीज़ें उसमें बता रहा है तो हमें पोलस को समझना होगा पोलस कौन था पोलस एक पॉलुस खुद भी यहूदी था वो खुद भी अपनी विचारधाराओं से था और वो खुद भी सोचता था कि नहीं व्यवस्था से ही सब होने वाला है वो भी परमेश्वर की पुराने नियम को मानने वाला कट्टर था और उसने गमेलियल के नीचे रहकर उसने शिक्षा को प्राप्त किया जो उसके गुरु थे और वहाँ पर उसने शिक्षा प्राप्त करी और कुरंतियों में यहूदी और अन्य जाति लोग रहते थे वहाँ अलग अलग संस्कृति थी, थी लोगों का आदान प्रदान होता था और ये जीवन शैली और स्वतंत्रता के सभी रूपों के साथ एक जगह में बन गई थी और वहाँ पर यह भी होता था कि कोई बाहर से उसकी विचारधारा आप उसको एक्सेप्ट करोगे कोई दूसरा विचारधारा लेकर आएगा आप उसको भी एक्सेप्ट करोगे आप उसे मना नहीं करोगे निंदा नहीं करोगे कि तू गलत है तू सही है ये गलत है वो सही है नहीं सब कुछ एक्सेप्ट करना है सब कुछ अपने पास रखना है वो ऐसा एक शहर था जहाँ पर पोलूस पत्री लिख रहा है और यहूदी अगुवे जो पॉलिस की शिक्षा की निंदा करने के लिए कहते थे कि पोलूस व्यवस्था के विपरीत परमेश्वर के वचन के अलावा दूसरी शिक्षा वहाँ पर दे रहा है और क्या करता था और ऐसे कार्य को ऐसे कार्य को यहूदी लोग स्वीकार नहीं करते थे इसलिए कलीसिया के अंदर यहूदी लोग अपनी शिक्षा दे रहे थे कि नहीं तुम्हें यीशु मसीह पे भी विश्वास करना है और परमेश्वर पर भी कि पर व्यवस्था को भी पालन करना है खतना भी कराना है और, और भी सारी चीज़ें जो उनके नियम कानून होते थे उनका भी पालन करना है ऐसी ऐसी विचारधारा थी उस जगह पर पोलोस पत्री लिख रहा है उनको सिखा रहा है शिक्षा दे रहा है इस पत्री के द्वारा आइए हम आगे बढ़ेंगे तीन का सात से सत्रह तो पहला जो भाग होगा हम उसमें देखेंगे सात से ग्यारह तक आप बाइबल निकाल ले आप मेरे साथ रहिए मैं पढ़ता हूं परंतु यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थर के पटलों पर अंकित हैं इतने तेजस्वी रूप में आई और कि इज़राइल की संतान भी मूसा के चेहरे के तेज को जो घटता जा रहा था एक तक होकर ना देख सकी तो फिर आत्मा की वाचा और अधिक तेजो में क्यों ना होगी क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजो में है तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी अधिक तेजो में है वास्तव में वह जो तेजों में था अब उस तेज के सम्मुख जो बढ़कर तेजो में है निस्तेज हो गया क्योंकि यदि वह क्षीण होने वाला तेजो में था तो जो स्थिर है और भी अधिक तेजो में क्यों ना होगा पोलूस यहाँ पर बात कर रहा है पुराने नियम की वाचा का और नए नियम की वाचा का पुराने नियम की वाचा आप जानते हैं किसको मिली थी मूसा को मूसा को कैसे जब परमेश्वर ने बोला आ, सिनाई पर्वत पर आ जा चालेज दिन 40 रात उसके साथ रहा पत्थर के पटलों पर मिली है ना हम साथ में पढ़ते हैं कि अक्षर पत्थर के पटलों पर लिखे गए थे वो वाचा मिली जिसमें क्या था कि तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना मानना तू झूठ ना बोलना लालच ना करना किसी के घर का लालच ना करना तू भय विचार ना करना तू झूठी साक्षी ना देना वो सारी वाचा उसमें लिखी गई थी वो कैसे मूसा को दी गई है ना और पौलुस इसमें यही कह रहा है कि पुरानी वाचा और नई वाचा में कितना अंतर है पत्थर पर लिखी गई पुरानी वाचा लेकिन नई वाचा किस पे लिखी गई अपारे हृदय पर हृदय पटलों पर हमारे अंदर मन में अंदर बाहर नहीं दिखती है वो हमारे अंदर बसती है वो वाचा किसके द्वारा आई नई वाचा यीशु मसीह के द्वारा आई पुरानी वाचा मूसा के द्वारा आई और वो वाचा अब हमारे ऊपर है हमें मिली है जब हम उस पर विश्वास करने लगे हैं जब हम उस पर विश्वास ध्यान लगाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मेरे पापों के लिए भेजा और वो मर गया जिंदा हो गया और वो दोबारा आने वाला है वो वाचा हमें दी गई जो कि हमारे हृदय पर लिखी है और फिर पुरानी वाचा में क्या कहते हैं पुरानी वाचा एक प्रकार से मृत्यु की वाचा है मृत्यु का प्रबंध है क्योंकि जब जब हम देखते हैं कि कोई भी पुराने नियम की सारी आ, उसके रीति रिवाज उसके उसके नियमों का पालन नहीं कर पाया क्योंकि 613 सौ आज्ञाएं थीं कोई भी उसे पूरा नहीं कर सकता था कोई भी उसे पूरी नहीं कर पाया लेकिन यीशु मसीह ने उसे आकर पूरा करा यीशु मसीह ने उससे बढ़कर हमें आज्ञाएं दी कि तू वह विचार ना करना लेकिन तू अगर सोच भी लेता है तो तू वह विचार कर देता है उसने और अच्छे से हमें बताया मसीह ने आकर लेकिन पुरानी वाचा से हमें क्या मिलता है मृत्यु मिलती है प्रबंध मिलता मृत्यु का पूरा प्रबंध मिलता है कि हम पुरानी वाचा के द्वारा परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं सकते थे क्योंकि हम उसे फॉलो ही नहीं कर सकते थे रोमियो सात का पांच में कहता है आप खो लेना मैं बताता हूं वो कहता है क्योंकि जब हम शारीरिक थे जब हम शरीर में थे तो पाप की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी व्यवस्था पुराने नियम की व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंग में हमारे शरीर में काम करती थी वो वाचा जो परमेश्वर ने मूसा को दी इसराइलियों को दी वहाँ के लोगों को दी कि आप मेरी प्रजा हो दूसरे लोगों से अलग दिखोगे लेकिन वो वाचा हमें मृत्यु का प्रबंध देती है क्योंकि कोई उसे फॉलो नहीं कर सकता था कोई उसके साथ साथ नहीं चल सकता था कोई परमेश्वर तक उसके द्वारा पहुंच ही नहीं सकता था कोई उसे फॉलो नहीं पूरी तरह से कोई भी क्योंकि मूसा ने भी पाप किया फॉलो नहीं कर पाया उसकी आज्ञा नहीं मानी लेकिन जो हमारा शरीर है वो व्यवस्था के द्वारा किसको उत्पन्न कर रहा था अभिलाषाओं को पाप की अभिलाषाओं को जिसके द्वारा क्या आ रही थी मृत्यु आ रही थी लेकिन नई वाचा में क्या कहता है परमेश्वर नई वाचा जीवनदायी है आत्मा का प्रबंध है नई वाचा से हमें जीवन मिलता है किसके द्वारा आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा आगे कहता है कि मूसा की वाचा दंड की आज्ञा लाई वह उस महिमा के साथ आई जो फीकी पड़ गई वो फीकी पड़ रही थी जो वाचा वो लेके आया था जब पर्वत से मूसा नीचे उतर रहा था तो उसके मुंह पर तेज था है ना? हम गा रहे थे ना गाना कि अपना तेज हम पर चमका वो तेज वो रोशनी उसके चेहरे पर थी मूसा के चेहरे पर थी लेकिन जब वो नीचे आया तो इसराइली लोग उसको देख नहीं पा रहे थे उससे डर रहे थे उसने कपड़ा ओढ़ लिया अपने ऊपर तब उनसे आकर बात करने लगा हम उसे निर्गमन में पढ़ते हैं उन्नीस का सोलह से पच्चीस में पढ़ते हैं फिर हम चौंतीस में पढ़ते हैं वो तेज मूसा के पास था परमेश्वर ने उसे दिया जब जब वो उसके पास जाता था परमेश्वर के पास तब ही सिर्फ वो अपना कपड़ा हटाता था जब वो बाहर रहता था जब इसराइली लोगों से बात करता था तो अपना कपड़ा मुंह पर रखता था क्योंकि लोग उसे देख नहीं पाते थे डरते थे लेकिन उसका तेज कम होता जाता था घटता जा रहा था लेकिन जब परमेश्वर के पास जाता था तो बढ़ता था जब परमेश्वर के पास नहीं जाता था तो घटता था तो ऐसी वाचा क्योंकि मूसा की वाचा दंड की आज्ञा लाई किसके साथ लाई जो फीकी पड़ गई थी वो वाचा वो तेज जो फीका पड़ता जा रहा था जो कम होता जा रहा था जिसमें हमें आशा नहीं दिखती थी कि यार इतनी सारी वाचाएं कैसे पूरी होंगी इतने सारे नियम कैसे पूरे होंगे लेकिन यीशु मसीह के द्वारा क्या आई मसीह के द्वारा जो वाचा आई वह धार्मिकता पवित्रता आई है चिरस्थाई, जो कभी ना मिटने वाली तेज रोशनी थी वो हमें मिली प्रकाशमान और महिमा प्रदान करती है कौन सी वाचा मसीह की वाचा कैसे वाचा प्रदान करती है क्योंकि वो हमारे लिए मर गया तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जब हम उस पर विश्वास करते हैं हमें पवित्र आत्मा मिलता है पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है हमेशा पुराने नियम में हमेशा किसी के साथ नहीं रहा वो एक काम को करवाने के लिए नीचे आता था काम करवा कर ऊपर चला जाता था जब हम परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो पवित्र आत्मा हमें पूरी तरीके से हमारे साथ रहता है हर समय हर वक्त इसीलिए वो कहता है कि ये जो तेज तुम्हें मिला है पवित्र आत्मा का वो कभी नहीं घटता वो कभी फीका नहीं पड़ता अब आप बोलोगे ये तो बात तो सही है कि आप पवित्र आत्मा का तेज फीका नहीं पड़ता लेकिन जब जब हम उसके साथ नहीं चलते ना वो फीका पड़ता जाता है जब जब हम परमेश्वर से दूर हटते जाते हैं वो फीका पड़ता जाता है हाँ वो आपके साथ है पवित्र आत्मा 24 घंटे 24 फोर इंटू आपके साथ है हर रोज हर वक्त पूरे साल जब तक आप जीवित हो जब, जब तक आप परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास रखते हो वो आपके साथ है लेकिन वो फीका पड़ता जाता है क्योंकि हम उसके साथ साथ नहीं चल रहे होते हैं वो तो यहां पर है हम उसके साथ हैं या नहीं ये जांचने की बात है ये समझने की बात है ये गौर करने की बात है ये सवाल करने की बात है अपने आप से कि अमित तू परमेश्वर के साथ है या नहीं आप सोच सकते हैं आप सोच सकते हैं कि मैं पवित्र आत्मा के साथ चल रहा हूं चल रही हूं या नहीं क्योंकि परमेश्वर ने वो तेज वो रोशनी जो स्वर्ग से आई है वो तेज हमें दे दिया है वो रोशनी हमें दे दी है क्या हम उसे लेके चल रहे हैं अपने साथ या नहीं या फिर हम खाली चल रहे हैं या जब हम लोगों से मिलते हैं वो तेज लोगों को दिखाई ही नहीं देता है कोई कह ही नहीं सकता ये ये परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला ये चर्च जाने वाला व्यक्ति है नहीं क्योंकि वो तेज जो पवित्र आत्मा ने हमें दिया है सदा के लिए जब तक हम पृथ्वी पर हैं वो तेज हमारे अंदर से निकलता ही नहीं है आपने बहुत सारी कहानी सुनी होंगी कि वो प्रार्थना कर रहे थे फिर उनका चेहरा चमकने लगा क्यों कहानी सुननी है आप खुद क्यों नहीं करते प्रार्थना हम क्यों नहीं परमेश्वर के साथ टाइम बिताते क्यों हम खुद नहीं चमकना चाहते जैसा पवित्र आत्मा हमें चमकाना चाहता है क्यों हम अपने आप को बंद करके बैठे रहते हैं क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम दुनिया में चमको जिस तरह से यीशु मसीह लोगों से मिलता था एक स्माइल के साथ एक बात करने के साथ एक अच्छे हृदय के साथ हमारे अंदर कुड़कुड़ाहट हाथ रहती है हमेशा कैसे हम पवित्र आत्मा के तेज को रोशनी को लेकर चल पाएंगे पॉलुस कह रहा है कि वो हमें सदा के लिए मिल गया चिरस्थाई है अनंतकाल के लिए इटरनल के लिए जो कभी नहीं मिटेगा लेकिन हम उस तेज को खत्म करते हैं अपने अंदर से क्योंकि यीशु मसीह ने तो वो दे दिया है और पुराना नियम में हम जब देखते हैं कि मूसा को जो वाचा दी वो कैसे आई थी बादल के गर्जन से आई थी बिजली चमकने से आई थी जो पर्वत पर चमक रही थी पर्वत पर काली घटा छा गई थी नरसिंगा इतना भारी सुनाई दिया कि जितने लोग नीचे खड़े थे ना वो डर गए कांप गए उसी तरह से जब नई वाचा जब पवित्र आत्मा हमारे पास आया तरह से पवित्र आत्मा उतरा एक आग के समान आंधी आई जहां वो प्रार्थना कर रहे थे वो वो हिल हिल गया वो हिल गया उस तरीके से आत्मा है, और वो सदा के लिए आ गई कि जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आएगा वो पृथ्वी पर आत्मा वो काम करेगी लेकिन क्या वो हमारे अंदर काम हो रहा है पवित्र आत्मा का क्या हम सोच पा रहे हैं कि हम अपने आप से सवाल कर पा रहे हैं हम विचार करते हैं कभी कभी इस पर कि नहीं कि नहीं मैं आप बहुत ढीला हो गया प्रार्थना में नहीं मैं वचन में बहुत ढीला हो गया यार पवित्र आत्मा तो हमेशा मेरे साथ रहने वाला है लेकिन वो मेरे को महसूस क्यों नहीं होता है खाली हो जाता है हमारा जीवन जब आप रो रहे होते हो जब टूटे होते हो तब तो आपको बड़ा अच्छे से फील होगा कि प्रभु मेरे साथ है मेरे को बचा लिया मेरे लिए ये कर दिया मेरे लिए वो कर दिया लेकिन जब सब ठीक चल रहा है तब आप पवित्र आत्मा को महसूस कर रहे हो वो पाप जो परमेश्वर कहता है, नहीं कर वही करने से हम पवित्र आत्मा से दूर हो रहे होते हैं क्योंकि वो तो जीवन देने के लिए आया था ना पवित्र आत्मा क्या हम जीवन पा रहे हैं उसमें पुराने नियम मूसा को जैसे मिला वाचा वैसे हमें भी नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा वाचा मिला हम आगे बढ़ेंगे से से लेकर तक में में हम देखते हैं कि से 14 में क्या कहता है परमेश्वर ऐसी आशा होने के कारण हम बड़े साहस से बोलते हैं और हम मूसा के सिदृश्य नहीं जो अपने चेहरे पर पर्दा डाले रहता था कि इसराइल की संतान एक टक होकर उस लोप होते हुए तेज के अंत को ना देख सके परंतु उनके मन कठोर हो गए क्योंकि आज भी इस पुरानी वाचा को पढ़ते समय वही पर्दा पड़ा रहता है क्योंकि वह केवल मसीह में हटाया जाता है लोगों के मन कठोर हो गए यहूदी लोगों के मन कठोर हो गए पौलुस नई वाचा में आशा और साहस के बारे में बात करता है आशा है हमारे पास साहस है कि हम मूसा की तरह नहीं है जो अपने चेहरे पर हम कपड़ा डाल लें लेकिन हम खुले में आजाद एक आजाद एक तरीके से हम घूम सकते हैं बाहर और मूसा का तेज तो कम होता भी जा रहा था हमारा तेज कम नहीं होगा अगर हम प्रभु के साथ साथ चल रहे होते हैं तब हमें सोचना है कि हमारे पास आशा है साहस है जिस तरह से पॉलुस बोल रहा है अब हम उसके से दृश्य नहीं मूसा की तरह नहीं कि हम कपड़ा डाले रहे या हम हमारे मन यहूदी लोगों की तरह कठोर हो जाएं हम उसके दृश्य नहीं है आपको पता है मन कठोर होने का मतलब बहुत से यहूदी आज भी यीशु मसीह की खोज में ही है कि मसीहा आएगा उन्हें बचाने के लिए हम अपने मन को कठोर ना करें हमारे मन कठोर किन किन बातों में हो जाते हैं हम सोचते हैं कि जो हमारे पूर्वज हमें रीति रिवाज दे के गए थे हम सोचते हैं कि हम हमें वो ही करना है हम उनसे उनके लिए सवाल ही नहीं पूछते हैं हम अपने मनों में वही विचारधाराओं को लेके चलते हैं नहीं हमारे दादा तो यही करा करते थे आज भी हम यही करते हैं हम नई नई चीज़ें सोच ही नहीं पाते हैं और वो इसलिए ऐसा हुआ था क्योंकि यहूदी लोगों ने जब हम मलाकी की लास्ट किताब देखते हैं पुराने नियम में मलाकी उसके 400 साल तक यीशु मसीह परमेश्वर ने उनसे बात नहीं करी और बहुत सारे राजा आए बहुत सारी चीज़ें बदली और बहुत सारी चीज़ें घटी दुनिया में लेकिन यहूदी लोगों ने कभी ये नहीं सुना था कि यीशु मसीह पे विश्वास करने से आपका उद्धार हो जाएगा आपको मुक्ति मिल जाएगी सिर्फ विश्वास करने से मुक्ति होती है क्या उनको नहीं मालूम था उन्होंने कभी सोचा ही नहीं लेकिन पोलूस यही प्रचार कर रहा है कि तुम्हें दूर दूर यात्रा करने की जरूरत नहीं है अब तुम्हें पहाड़ों पर चढ़ने की जरूरत नहीं है आपको बार बार चर्च बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो पवित्र आत्मा नाम सत्संग में काम कर रहा है वही पवित्र आत्मा वहां काम कर रहा है आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर कि नहीं मुझे स्वर्ग का रास्ता ढूंढना है इधर जाते हैं उस बाबा के पास जाते हैं वो ये करेगा वो ये करेगा यहूदी लोगों के मन कठोर हो गए थे इसीलिए क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि सिर्फ विश्वास करने से कैसे हो सकता है उद्धार हम भी यही सोचते कि नहीं नहीं हमें अच्छे काम करने पड़ेंगे हमें दूर जाके यात्रा करनी पड़ेगी हमें पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे हमें नंगे पैर जाना पड़ेगा हमारे मन भी कठोर हो गए हम देख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर भी वो पर्दा पड़ा रहता है हम उस पर्दे को हटा ही नहीं पा रहे हैं हम सोच ही नहीं पा रहे हम अपने आप से सवाल नहीं कर पा रहे कि प्रभु ये कैसे हो रहा है प्रभु कह रहा है कि बेटा तुझे सिर्फ विश्वास करना है तेरा उद्धार हो जाएगा या हम सोच रहे नहीं हमें तो नई नई जगह जाना है हमें ये करना है हमें वो करना है हमें अच्छे काम करने हैं हमें इसको खिलाना है उसको दान देना है वो अच्छी बात है लेकिन यीशु मसीह पर सिर्फ विश्वास करना है तो वो जो पर्दा है वो हट जाएगा प्रभु के तेज में आजादी अंधकार और धुंधलापन केवल मसीह में हटता है अंधकार हमारे जीवन में हो सकता है बहुत सारी बातों को लेकर हाँ, हम यीशु मसीह में ही हैं हम परमेश्वर पे ही विश्वास करते हैं लेकिन अभी भी हमारे दिल के कोनों में कहीं ना कहीं अंधकार है किसी बात को लेकर धुंधलापन है कौन सी बातें हो सकती हैं आप सोचिए बहुत सी बातें मिलेंगी कि नहीं नहीं यार ये चर्च ठीक है लेकिन वो चर्च ज्यादा बेटर है ये काम अच्छा है नहीं अभी इसको एज नहीं हुई है फिर भी इसकी शादी करा देते हैं ये समझदार नहीं है वो नहीं है बहुत सारी बातों को लेकर आपके अंदर अंधकार है कि मेरा बेटा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा आप उसे समझें आप उसे जाने क्या यीशु मसीह ने भी ऐसी कह दिया हमको कि यार ये इतने लोग इतने सालों से आ रहे हैं पांच साल हो गए आठ साल हो गए दस साल हो गए ये लोग बढ़ी नहीं रहे हैं ये अभी भी दूध पीते बच्चे ही हैं लेकिन प्रभु ने धीरज रखने के साथ साथ कहा है ना कि हम बदलेंगे प्रेम से बदलेंगे आप उनसे बात तो करें आप उनके अंदर का अंधकार जो आपके अंध का अंदर का अंधकार है आप उसे दूर करें आप उससे बात करें आप अपने धुंधलेपन को दूर करें लेकर क्योंकि हम भी बहुत सारे बहुत सालों बाद ऐसा सुनते कि इसे विश्वास करने से हो जाएगा लेकिन वो अंधकार में जो हमारा हमारे ऊपर चेहरे पे पर्दा पड़ा है ना अंधकार का उसे हटाना पड़ेगा उन बातों को दूर करना पड़ेगा उन बातों को सीखना पड़ेगा प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु इन बातों को लेकर जो मेरे अंदर अंधकार है धुंधलापन है आप इन चीज़ों को दूर करें क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि सिर्फ़ तुझ में ही वो अंधकार हटता है तुझ में ही केवल मसीह में हटता है पंद्रह सोलह हम पढ़ेंगे आज के दिन तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है परंतु जब कभी कोई मनुष्य प्रभु की ओर फिरता है तो वह पर्दा हटा लिया जाता है हमें प्रभु की तरफ फिरना है प्रभु की तरफ हमारे हम जब बढ़ रहे होते हैं ना तो हमें पीछे खींचने वाली चीज़ें मिलेंगी वही पुराने दोस्त वही पुरानी आदतें वही पुराने लड़ाई झगड़े वही सारी गालियाँ जो हमने छोड़ दी प्रभु में आगे दो साल हो गए लेकिन आज भी जब हम अपने दोस्तों से मिल रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं जब हम अपने रिश्तेदारों के घर पर जा रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं वही पुरानी चीज़ें खींच रही होती हैं वही लत शराब की लत वही पीने की लत और गाली देने की लत लेकिन प्रभु क्या कह रहा है वो पर्दा हटाना पड़ेगा आपको कि नहीं नहीं प्रभु में इतना तो चलता है लेकिन अंधकार और धुंधलापन केवल मसीह में हटता है क्योंकि हमें प्रभु की तरफ फिरना है हमें अपने चेहरे का पर्दा हटाना है हमारे हमें अपने दिल के कोने 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 में प्रभु को बसाना है हर एक चीज को लेकर क्योंकि परंतु जब कभी कोई मनुष्य प्रभु की ओर फिरता है तो वह पर्दा हटा लिया जाता है हम आगे बढ़ते हैं सत्रह अब यह प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है आजादी है नई वाचा हमें आजादी देती है नई वाचा हमें क्या देती है क्या देती है आजादी देती है लेकिन क्या हम इस आजादी को जी रहे हैं आजादी कैसे देती है क्योंकि पुराने नियम में मूसा तो बंधा हुआ था नियमों के अंदर इसराइल के लोग लेकिन जब यीशु मसीह आया उसने अपने अनुग्रह से हमें बचा लिया हमें आज़ाद कर दिया हमें अंधकार से निकाल कर ज्योति में ले आया हमारे पापों को माफ़ कर दिया हमें आज़ादी दे दी लेकिन क्या हम उस आज़ादी को फील कर रहे हैं हम जी रहे हैं क्योंकि नई वाचा तो हमें आज़ादी देती है यीशु मसीह तो हमें आज़ादी देता है कि अपना जीवन पवित्र जियो जरूरी नहीं है कि आपको खाना खाने से पहले हाथ धोने पड़ेंगे कहीं पानी ना हुआ तो उन चीजों से आज़ादी देती है क्या हम फील कर रहे हैं किन किन चीजों से हमें आज़ादी मिलती है रीति रिवाज से सोच विचार से दूर दूर यात्रा करने से व्यवस्था से किसी पर्व को मनाने से बहुत से पर्व आते रहते हैं जाते रहते हैं लेकिन वो ये ना पुरानी चीज़ें खींचती है जब वो खींच रही होती है तो हम उसके पास जा रहे होते हैं लेकिन वो आज़ादी जो प्रभु ने दी है हमें ज़रूरी नहीं है पर्व मनाना हमें ज़रूरी नहीं है दिए जलाना हमें ज़रूरी नहीं है कलर लगाना क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज़ादी दे दी है वो इंजॉयमेंट नहीं है हमारे लिए वो हम उसको ऐसे नहीं ले रहे कि हाँ ठीक है आज कर लेते हैं कल से फिर हम प्रभु की जिंदगी जी लेंगे वैसा नहीं है वो लेकिन प्रभु कह रहा है कि तुम्हें रीति रिवाज से आज़ादी दे दी पर्व मनाने से आज़ादी दे दी अनंत काल की मृत्यु से हमें आज़ादी मिल गई नरक जाने से हमें आज़ादी मिल गई लेकिन नरक के द्वार आज भी खुला है अगर हम प्रभु के साथ ना चलेंगे तो जब प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें आज़ादी देता हूं तो आप उस आज़ादी को फील करें महसूस करें आप उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं क्योंकि वो आज़ादी प्रभु ने हमें अपना खून बहाकर खरीद के हमें दिए जब कोई हमारे लिए कुछ काम कर रहा है उसने वो हमें आज़ादी दी है ना कि हमने खुद अपने कामों से प्राप्त करी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन लिया ना कि हमने उसे चुन लिया वो आज़ादी परमेश्वर ने हमें चुनने के बाद भी दे दी लेकिन क्या हम उस आज़ादी में अभी जी रहे हैं नहीं वो आज़ादी जो हमें परमेश्वर हमें लगातार हर रोज़ दे रहा होता है क्या वो रोज़ हम आज़ादी को फील कर रहे हैं क्या उस तरीके से हम चल रहे हैं आज़ादी में उस चेहरे को लेकर जो पवित्र आत्मा ने हमें दिया उस रोशनी को लेकर वो आज़ादी जो हमें दी गई है वो चेहरा परमेश्वर की रूह से चमक जाता है जब हम उससे प्रार्थना करते हैं जब हम उसके साथ साथ चल रहे होते हैं तो परमेश्वर हमें तेज में बढ़ा रहा होता है हमारी बुद्धि डेवलप कर रहा होता है हमें बुद्धि देता है प्रकाशन देता है हमें भविष्यवाणी करने के वरदान देता है पवित्र आत्मा से भरता है क्या वो आज़ादी वैसी आज़ादी हम जी रहे हैं या फिर जब हम बैठते हैं प्रार्थना करने के लिए हमें दूसरे का मैसेज आ जाता है उस मैसेज को रिप्लाई करेंगे नहीं वो टेंशन है आज प्रार्थना नहीं करेंगे आज वचन नहीं पढ़ेंगे क्या ये आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाना नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर ने आपको आज़ादी दी है लेकिन आप उससे दूर भाग रहे हो यीशु मसीह खुद कहता है कि तुम्हें मेरी आज्ञाएं बोझ की तरह नहीं लगेंगी लेकिन हम उसे बोझिल बना रहे हैं अपने आप से बोझिल बना रहे हैं हम अपने आप से सोच रहे हैं नहीं यार ठीक है कल पढ़ लेंगे बाइबल आज नहीं पढ़ते हैं कल कर लेंगे प्रार्थना आज नहीं करेंगे कल चले जाएंगे होम ग्रुप में अगले बार क्या दिक्कत है आज यूथ मीटिंग में भी आ ही जाएंगे ठीक है संडे को तो प्रार्थना होती है आज घर पर दो मिनट प्रार्थना करके बैठ जाते हैं रिश्तेदार आ रहे हैं चलो आज घूमने का प्लान बना लेते हैं वो आज़ादी लेकिन परमेश्वर ने वो आज़ादी इस काम के लिए तो नहीं दी है प्रभु ने कहा सब करो लेकिन ये काम भी तो करना है वचन पढ़ना है प्रार्थना करनी है संगति में रहना है प्रभु के साथ साथ बने रहना है लेकिन हम अपनी आज़ादी को गलत तरीके से यूज़ करने लगे हैं आप वैसे समझ सकते हैं जब हमारे देश पर ब्रिटिश राज करता था 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ क्या आज़ादी थी आप जलिए वाले बाप के बारे में जानते ही होंगे है ना पढ़ा होगा बच्चों ने वो आज़ादी नहीं थी लेकिन परमेश्वर ने उससे भी अच्छी आज़ादी हमें दी है है ना अब हम घूम सकते हैं बैठ सकते हैं बाहर जा सकते हैं रह सकते हैं उसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं हम लोगों को प्यार दिखा सकते हैं उसका प्रेम अपने अंदर लेकर चल सकते हैं क्या हम उसे यूज़ कर रहे हैं क्या हम उस आज़ादी को जी रहे हैं क्योंकि नई वाचा हमें आज़ादी देती है नई वाचा में बहुत आज़ादी है और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है नई वाचा में पुराने में भी करता था क्योंकि बार बार उसने लोगों को क्षमा किया इसराइली लोगों को क्षमा किया लेकिन उसने अनुग्रह से हमें चुन लिया ताकि हम उसके साथ साथ हमें बेटा बेटी बना लिया है ना हम अब उसे अब्बा फादर कह सकते हैं अब्बा पिता कह सकते हैं इतनी आजादी उसने हमें दे दी है हम उसके पास डायरेक्ट जा सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं इतनी आजादी हमें उसने दे दी क्या हम ये आजादी महसूस कर रहे हैं चल रहे हैं या नहीं सवाल है हमारे लिए क्योंकि नई वाचा हमें आजादी देती है और जब जब नई वाचा आजादी देती है तो आप उसको इस्तेमाल करें आप समझें आगे पढ़ेंगे अठारह और हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं पौलुस बता रहा है कि ये तेज का कॉन्टेक्स्ट जो है इस वचन का वो कह रहा है कि जो ये तेज दिया गया है ना हमें रोशनी ये अब सब के लिए ये सिर्फ मूसा के लिए नहीं थी क्योंकि क्या पुराने नियम में सब परमेश्वर के पास जा सकते थे नहीं जा सकते थे मायाजक भी साल में एक बार जाता था प्रभु के वो भी डर डर के पता नहीं क्या पाप कर दिया होगा मर के वापस आना है या फिर जिंदा वापस आना है वो भी डरता था लेकिन अब यहाँ पर पोलूस कह रहा है कि ये आज़ादी ये रोशनी ये तेज जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो अब मूसा के लिए नहीं है सिर्फ वो यहूदियों के लिए नहीं है सिर्फ वो ना यूनानियों के लिए ये पूरे परमेश्वर ने जो हमें दिया पूरे देश के लिए पूरी दुनिया के लोगों के लिए दे दिया है लेकिन उस पर जो विश्वास करता है क्योंकि जो उसकी तरफ फिरता है उसका पर्दा हटा लिया जाता है मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं क्या है ये? मिरर। अब ये कैसा मिरर है ये बाइबल टाइम का मिरर है है ना उस समय ऐसा ये मिरर होता था हमें शक्ल देखने के लिए अपना चेहरा देखने के लिए इसलिए पोलूस कह रहा है कि आ, तेज आ, प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए दर्पण में देखते हुए मिरर में देखते हुए प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंशंश करके हम बदलते जाते हैं अब मुझे बताओ आप इसमें अच्छे से अपने चेहरे को देख पाओगे आप बिल्कुल क्लीन कर लो इसे बिल्कुल जो भी आजकल आते हैं कॉलिन वगैरह जिससे मान करना है या फिर जिससे मार्बल वगैरह साफ करते उससे भी साफ कर लो आप कितना अपने आप को अच्छे से देख पाओगे दिखेंगे आपके दाग धब्बे तो फिर भी नहीं दिखेंगे है ना हमारे चेहरे के पिंपल भी नहीं दिखेंगे इस समय की बात कर रहा है 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 वो लोग ये तो बड़ा एंटिक, है ना मिरर इसीलिए वो कह रहा है कि हम प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हैं वो इस वाले दर्पण की बात कर रहा है मिरर जो हमारे सामने कांच वाला मिरर है उसकी बात नहीं कर रहा है वो इसकी बात कर रहा है कि इसके अंदर हम परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं देख सकते इसके अंदर हम यीशु मसीह को पूरी तरीके से नहीं जान सकते और इसीलिए यहूदी लोग भी ये नहीं समझ पाए कि परमेश्वर का दूसरा रूप भी है कि यीशु मसीह के द्वारा वो हमें आज़ादी देना चाहता था वो आंखें बंद है वो द, उनका चेहरा ढका हुआ है उनके दिल कठोर हो गए हैं वो इसलिए बात कर रहा है कि दर्पण में देखते हैं क्योंकि हमें अपना ही चेहरा दर्पण में अच्छे से नजर नहीं आएगा ऐसे उसमें आजकल तो चलो लाइट चली जाए फ्लैश लाइट देख देख लेते हैं चलो ठीक लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं एमरजेंसी लाइट हो गई इन्वर्टर हो गया लेकिन उस समय तो नहीं होता था वो रोशनी जब पड़ती थी उसके ऊपर जब परछाई उसके ऊपर गिरती तब आप देख सकते थे कि हाँ बाल ठीक लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं वो कह रहा है कि यीशु मसीह को इसमें हम देख नहीं पाएंगे पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे परमेश्वर को यहूदी लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि हमें विश्वास से उद्धार मिलेगा या नहीं नहीं हमें व्यवस्था का भी पालन करना पड़ेगा वो ये बात कर रहे थे लेकिन पॉलूस कह रहा है कि भैया इस तरीके से हम अंश अंश करके किस में बदल रहे हैं प्रभु के तेज में बदल रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके हम दिन पर दिन हम पवित्र तो हुए नहीं है लेकिन हम पवित्र होते जा रहे हैं लेकिन इसमें भी सवाल है कि क्या सच में हम होते जा रहे हैं या फिर बार बार गिर रहे हैं और फिर बार बार चल रहे हैं पवित्र होते जा रहे हैं अंश अंश करके बदलते जा रहे हैं प्रभु के तेज से हम बदलते जाते हैं क्या प्रभु का तेज हमारे ऊपर है क्या प्रभु वो जो तेज जिसने प्रभु कहता है कि सबको दे दिया है जो विश्वास करता है हम विश्वास करने वाले लोग हैं हम चर्च में आ रहे हैं हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मर गया क्या हम उसके तेज में बदलते जा रहे हैं क्योंकि प्रभु का तेज तो हमें बदलता है थोड़ा थोड़ा करके बदल रहा है क्योंकि हम किस दर्पण में देख रहे हैं किस मिरर में देख रहे हैं वो जरूरी है वो मैटर करता है कि आप कौन से दर्पण में देख रहे हो आप पुराने वाले दर्पण में ही देख रहे हो या नए वाले दर्पण में देख रहे हो या यीशु मसीह में आप देख रहे हो या व्यवस्था में आप देख रहे हो पॉलुस कहता है कि हम अंश अंश करके प्रभु में बदलते जाते हैं प्रभु के तेज से हम बदलते जाते हैं क्या हम बदल रहे हैं अपने आप को क्या हम बदलता हुआ अपने जीवन को देख पा रहे हैं क्या आप जब से प्रभु में हम लोग आए हैं जिसने जब विश्वास किया था उससे लेकर आज तक क्या आपने आपके अंदर चेंज पाया है क्या आपकी बुद्धि परमेश्वर में बड़ी है क्या आपका सोचने का तरीका प्रभु में बड़ा है क्या आज भी वो पुरानी चीजें आज भी आपको साथ लेके चल रही हैं या आप उसे साथ लेके चल रहे हो छोड़ नहीं पा रहे हो ऐसे तो तेज में नहीं बढ़ सकते लेकिन प्रभु कह रहा है कि तेज में हम बढ़ते हैं और बदलते हैं जब वो तेज प्रभु हमें दे रहा है जब वो हमारा अंधकार धुंधलापन हमसे दूर कर रहा है नई वाचा में जब वो हमें आज़ादी दे रहा है तो हम क्यों नहीं बदल रहे हैं हम क्यों पीछे हो रहे हैं क्योंकि पवित्र आत्मा भी हमारे पास आ गया है पवित्र आत्मा यहां पर ही रहता है आपके साथ रहता है हमेशा लेकिन हम बदल नहीं रहे हैं हम वो ढीला जीवन जी रहे हैं हम वही काम कर रहे हैं जो परमेश्वर हमसे मना करता है हम छोटी छोटी बात को लेकर बैठ जाते हैं क्यों उसने ऐसा मुझसे बोल दिया क्यों आप उसको अपना असीम वाला जैसा परमेश्वर ने आपसे प्रेम करा वैसा प्रेम क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं ये कैसे बदल रहे हम सही रीति से तो नहीं बदल रहे इस तरीके से क्यों हम जब लोग हमें कुछ कह देते हैं जब लड़ाई हो जाती है जब हम कुछ समझ नहीं पाते हैं, तो हम क्यों दूर भागने लगते हैं लोगों से हमारे अंदर प्रेम नहीं है लेकिन प्रभु कह रहा है आप बदल रहे हो प्रभु ने हमसे हमसे प्रेम किया ना प्रभु ने अपने प्रेम से हमें बदल दिया हमारे अंदर वो प्रेम नहीं दिख रहा होता है तो प्रभु का तेज में हम कैसे बदलेंगे आप लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हो आप की छोटी छोटी बात पे आप गुस्सा हो जाते हो आप लोगों से दूर भागते हो आप चर्च आना पसंद नहीं करते हो कि किसी लीडर ने आपसे कुछ कह दिया या किसी ने चर्च के मेंबर ने कुछ किस से कह दिया तो आप चर्च नहीं आओगे आप बदल रहे हैं या प्रभु से दूर भाग रहे हैं आप किस तरीके से बदलते हो प्रभु देख रहा है क्योंकि वचन कहता है कि भैया प्रभु के तेज से हम बदलते हैं प्रभु तो बोल देगा क्या हम बदलते जा रहे हैं आप बोलोगे प्रभु को उस तरीके से क्या हम अपनी चाल चलन में अपने व्यवहार में अपने परिवार की स्थिति में अपने दोस्ती संगति में अपने रिश्तेदारों में क्या उन लोगों को हम बदलता हुआ दिख रहे हैं कि नहीं ये तो चल जाता है ये ऐसा ही है बहुत से लोग कहते थे है ना रिश्तेदार भी अरे यार आज कुछ नहीं होता पी लेते हैं आज खरीद लेते हैं चलो आज दोस्त के साथ बंक मार लेते हैं कहाँ बदल रहे हैं हम शैतान की तरफ बदल रहे हैं प्रभु की तरफ बदल रहे हैं क्योंकि प्रभु का तेज से हम बदल रहे हैं अगर वो तेज हमारे पास होगा तो हम बदलेंगे वो तेज हमारे पास नहीं होगा तो हम नहीं बदलेंगे अंधकार और धुंधलापन केवल मसीह में हटता है नई वाचा हमें आजादी देती है प्रभु के तेज से हम बदलते जाते हैं आप याद रख सकते हैं आई हम प्रार्थना करें और ख़त्म करते हैं